वेलकम टू माय एरियन 3D आर्टिस्ट चैनल। आज हम करने वाले हैं ये गणपति विसर्जन जी के ऊपर चीजें ऐड बनाने वाले हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा है। और मैं इसको कैसे बनाऊंगा ये आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसको मैं ब्लेंडर के अंदर बनाने वाला हूँ और इसको मैं जियो ट्रैकर की मदद से बनाऊंगा। और ये हमारी फुटेज है जो कि मैं इसको यूज करने वाला हूँ हमारे सीन के ऊपर। और इसको इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ब्लेंडर खोल लेते हैं। हाँ जी, हमारा यहाँ पर ब्लेंडर खोल चुका है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो एक कैमरा ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा कैमरा। इसको क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर 90 90 0 और इसको भी 90। और इसको क्या करेंगे, पीछे की तरफ कर देंगे थोड़ा सा। और पीछे की तरफ करने के बाद कैमरा व्यू के अंदर चलते हैं 0 प्रेस करके, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। और एन दबा के हम चलते हैं यहाँ पर जियो ट्रैकर के अंदर, और यहाँ से कर देंगे क्रिएट न्यू जियो ट्रैकर। और यहाँ पर हम अपनी क्लिप को यहाँ पर लोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो ये रही हमारी वो क्लिप, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर लोड कर लेते हैं। और ये यहाँ पर लोड हो चुकी है और ये कुछ 600 फ्रेम की होने वाली है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर एक कोन ले लेते हैं 3D मॉडल बनाने के लिए। इसके ऊपर शिफ्ट ए, एक मैश के अंदर चलेंगे और यहाँ पर कोन ले लेंगे। और ये कोन हमारी यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड विंडो खोल लेते हैं हमारी। और सेकंड विंडो खोलने के बाद इसको टॉप व्यू के अंदर चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, जी और वाई, और इसको यहाँ पर रखेंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, जी और जेड, इसको ऊपर की तरफ ले चलेंगे। ऊपर की तरफ लेके जाने के बाद वायर फ्रेम के अंदर चलते हैं, इसको जी और वाई, ये यहाँ पर सेट कर दी। और एडिट मोड के अंदर जाकर इसको क्या करेंगे, ऊपर की तरफ ले चलते हैं जी और जेड यहाँ पर, और एस से स्केल अंदर की तरफ कर देंगे इसको। और ये हम इसको कोण की शेप दे देंगे। और कोण की शेप देने के बाद अभी हमारी ये कोण है जो सीधी सीधी दिखाई दे रही है, जो कि हमारा मॉडल ऊपर जो बिल्डिंग का मॉडल है वो वैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कैमरे के एंगल को क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ 85 कर देंगे और 0 करके इसको जेड की वैल्यू को यहाँ से नीचे की तरफ कर लेंगे, 87 कर लेते हैं। और 87 करने के बाद हम जेड की वैल्यू को, जेड की वैल्यू से इस कोण को ऊपर की तरफ यहाँ पर इसके ऊपर सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मॉडल कुछ यहाँ पर इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और एडिट मोड के अंदर जाकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल बी और वी, इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लेते हैं जी और वाई एक्सिस के अंदर। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो नीचे वाला फेस है इसको कर देते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एस और ई और एस स्केल कर देंगे। स्केल करके हमारा जो यहाँ पर ये नीचे वाला पोर्शन है इसको क्रिएट करेंगे। ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। और ई दबा के और जेड इसको हम नीचे की तरफ कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये पीछे का मॉडल है, अगर हम इसको चेक करूँ, ये वाला जो इसका पीछे का मॉडल है इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे हमारे सीन के हिसाब से, क्योंकि ये काफी सही नहीं लग रहा। जी और जेड इसको हम यहाँ पर इस तरीके से। और अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसको रीएनालाइज कर लेते हैं एन दबा के। इसको पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर लोड कर लेते हैं। लोड करने के बाद अभी हम कर लेते हैं इसको रीएनालाइज। हमारा यहाँ पर रीएनालाइज हो चुका है। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज्योमेट्री के अंदर चले गए और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट पिन मोड कर देंगे। और यहाँ पर पिन मोड करने के बाद ये देखिए यहाँ पर ये कुछ मॉडल इस तरीके का हो जाता है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना ये ट्रैकर डॉट लगा देंगे, ये कुछ इस तरीके से, जिससे हमारा मॉडल की जो ट्रैकिंग है वो अच्छी तरीके से निकल आ सके। और ये हम यहाँ पर नॉर्मली थोड़े थोड़े जगह पे लगा देंगे, और इससे क्या होगा कि हमारा ट्रैकर डाटा ही अच्छा निकलेगा। और इसको मैं जल्दी जल्दी ये लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो हाँ जी, यहाँ पर हमारे ट्रैकर लग चुके हैं। और
अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैमरा के अंदर चलते हैं, कैमरा के अंदर जाकर यहाँ से क्या करेंगे है ना, ट्रैक टू एंड कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो ट्रैकर है, ट्रैकिंग है, वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर ये काफी अच्छा लग रहा है सीन। बाकी हम एंड पे देखते हैं कि हमारे जो ट्रैकिंग है कैसी निकलती है, कैसा होता है हमारा ट्रैकिंग। तो हाँ जी, हमारा यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ट्रैक हो चुका है, और ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारा ट्रैक हो चुका है। और अभी मैं अगर आपको ये प्ले करके दिखाऊं, तो ये देखिए काफी परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ये ट्रैक हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो गणेश जी का मॉडल है उसको यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे, और ये मैंने आपको, ये मैंने स्केच पैड से निकाला था, और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ कहाँ से निकाला था। तो ये देखिए यहाँ पर आप स्केच पैड के अंदर से बहुत सारे मॉडल हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आप कोई भी मॉडल यहाँ से उठाकर लगा सकते हैं। मैंने भी यहीं से डाउनलोड करा है, और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना गणेश जी का मॉडल यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा वो गणेश जी का मॉडल, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट करेंगे। तो हाँ जी, ये देखिए हमारे पास ये गणेश जी का मॉडल यहाँ पर आ चुका है, और ये कुछ यहाँ पर इस तरीके का दिखाई भी दे रहा है हमें। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल, पहले तो हम स्केल डाउन कर लेते हैं इसको, और वैसे मुझे लगता नहीं है कि हमें स्केल डाउन करना पड़ेगा। और इसको जी और जेड, इसको हम जीरो इसके ऊपर, बेस के ऊपर रख देंगे। और रखने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा स्केल और रोटेशन, और इसको जी दबा के यहाँ पर सेट करेंगे। सेट करने के बाद अभी ये देखिए यहाँ पर, अब सॉलिड व्यू के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है हमें गणेश जी का हमारा मॉडल। तो ये देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको हमें बड़ा करना होगा, जिससे कि ये हमारा जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इसको ना दे। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बड़ा कर लूंगा, और जी और जेड, और इसको थोड़ा या छोटा, हाँ जी इतना ठीक रहेगा। और अभी अभी हम क्या करते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। तो हाँ जी, ये काफी अच्छा लग रहा है, और सीन के हिसाब से भी काफी बढ़िया लग रहा है। और दूसरी एक चीज रहेगी कि जो हमारी ये कोन है ना, ये इसके अंदर ओवरलैप हो रही है हमारे मॉडल के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, कोन को टैब दबाएंगे, और यहाँ से एडिट मोड के अंदर जाकर इसको जी और जेड, इसको हम नीचे की तरफ ले आएंगे, और यहाँ पर कर देंगे इसको स्केल अप यहाँ से, और जी और जेड। यहाँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारा मॉडल है जो गणेश जी का, यहाँ पर सेट हो चुका है, और ये काफी अच्छा लग रहा है। और अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम इसके ऊपर हमारा जो रेंडर सेटिंग है उसको सेट कर लेते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ईवी की जगह हम चलते हैं साइकिल के अंदर, और सीपीयू की जगह जीपीयू, और डी नॉइस, और सैंपल पॉइंट आप 100 रख सकते हैं, जो आप अपने सिस्टम के हिसाब से रख सकते हैं, कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिल्म, फिल्म के अंदर ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर मैं कुछ 500 इसके सैंपल पॉइंट रखूंगा। और उसके बाद यहाँ पर चलते हैं कलर मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पर फिल्म की जगह स्टैंडर्ड, और नॉन की जगह मैं करूँगा यहाँ पर मीडियम कॉन्ट्रास्ट। और उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं शेडो, शेडर एडिटर के अंदर, और वर्ल्ड, और यहाँ पर कर लेंगे हम लाइटिंग, और शिफ्ट ए करके मैं स्काई ले लूंगा। और यहाँ पर क्या करता हूँ, रेंडर व्यू ऑन कर लेता हूँ मैं अपना। और रेंडर व्यू ऑन करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो स्काई है इसको यहाँ पर इसके हिसाब से सेट कर लेते हैं। और सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पीछे हम जो लाइटिंग सोर्स है, अगर हम इसको गणपति जी की ये मूर्ति है, इसको हम हाइड कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा सोर्स जो लाइट का यहाँ से आ रहा है, तो हम अपनी लाइट को भी वहीं से ही ग्लो कराएंगे। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से इसको कुछ 268 करके देखता हूँ, और इसको कर देते हैं 0.2, और इसको कुछ 10। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बार रेंडर सेटिंग के अंदर जाकर जो ये हमने फिल्मिक को ट्रांसपेरेंट करा ना, इसको
ऑन कर लेते हैं, ऑफ कर देते हैं और इसको 0.1 कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा भी सूरज वहीं से ग्लो हो रहा है जहाँ से हमारी हमारा सीन का ग्लो हो रहा है, और ये काफी हमारा सही डिसीजन रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर गणपति जी की मूर्ति को ऑन कर देता हूँ, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको वन कर देते हैं। और वन करने के बाद अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा ये नीचे वाला हमारा जो बेस हमने कोण बनाई थी उसको क्या करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर विजिबिलिटी और यहाँ से शेडो गैचर लगा देंगे। और शेडो गैचर लगाने के बाद अभी हम अगर इसको प्ले करके देखें तो ये देखिए हमारी लाइटिंग और हमारा जो सीन है काफी अच्छा लग रहा है जो कि है ना हमने बनाया है इसको। और यहाँ पर हम क्या करें 0.8 कर देंगे इसको या फिर 0.9 ठीक है हमारी लाइटिंग का। और ये देखिए हमारा पूरा सीन के हिसाब से हमारी लाइटिंग भी काफी अच्छे से हमारे सीन के हिसाब से मैच कर रही है। और अभी हम क्या करते हैं कंपोजिटिंग के अंदर चलते हैं और यूज नोड और यहाँ से क्या करें कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक जिससे हमारा वीवर नोड आ जाएगा। और इसके बाद शिफ्ट ए अल्फा अल्फा ओवर ले लेंगे और शिफ्ट ए एक ले लेंगे हम मूवी क्लिप, और इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देंगे और यहाँ और हमारा जो सीन है इसके अंदर ओपन कर लेंगे लोड कर लेंगे। तो हाँ जी हमारा सीन यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हमें सिर्फ एक सिंगल रेंडर करके देखना है कि हमारा सीन कैसा लगेगा। तो हाँ जी ये देखिए हमारा सीन जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारे सीन के हिसाब से इसकी लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी लग रही है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।